बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर भी शेयर करूँगा। तो आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि जॉब पर अप्लाई करना आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो का बकायदा आगाज़ करूँगा और सारी तफसीलात आपके सामने अपनी इस वीडियो में शेयर भी करूंगा। तो जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप लोग अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाने के बाद आप लोग हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, रोज़ी गो। जैसे ही दोस्तों आप लोग रोज़ी गो लिखेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी और इस वेबसाइट के नाम के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों वेबसाइट के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस साइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जानिब से एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भी नौकरियों ऐलान किया जा चुका है। अब आप लोगों ने अप्लाई करना है फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में टीचर्स की नौकरियों के लिए, तो उसके लिए आप लोग जॉब के इस टाइटल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के इस टाइटल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी, इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जानिब से नौकरियों का ऐलान किया गया। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। नौकरियों के लिए 18 से लेकर 25 साल तक उम्र की हद है और इसमें एज रिलैक्सेशन अभी शामिल नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बाद 30 to 35 एज लिमिट जो है वो बन जाएगी, जिसमें तकरीबन तमाम पढ़े लिखे लोग जो है वो अप्लाई करने के लिए अहल भी हो जाएंगे। बाकी आप लोग पेज को स्क्रॉल करेंगे, लिस्ट ऑफ वैकेंसीज़ हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स मेल के लिए 27 पोस्ट है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स फीमेल के लिए 64 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मेंशन है और क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मेंशन है। बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डिवीजन वाले। उम्र की जो हद है वो 18 से 25 साल है, प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, इसके लिए यहाँ पर लिंक मौजूद है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं और इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है तमाम तफसीली मालूमात। और उसके बाद आप देख सकते हैं EST के लिए मेल और EST के लिए फ़ीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए लिंक है, आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन जो है ये फॉर्म आ जाएगा। आप लोग इस फॉर्म को देखेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोग चले जाएँगे ज़रा डेस्कटॉप साइट के ऊपर। जैसे ही आप लोग डेस्कटॉप साइट के ऊपर जाएँगे, कुछ और नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से आने के बाद आप लोग जो है अपनी आपकी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। लॉगिन का फॉर्म आया है, लॉगिन करने के लिए आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा। आप लोग लॉगिन नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और उसके बाद आप लोगों का लॉगिन मुकम्मल हो जाएगा और आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे। तो यही तरीका फॉलो करेंगे फेडरल एजुकेशन में नौकरियों से रिलेटेड और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।